क्योंकि कोई लाइन में है ही नहीं एक्सेप्ट नितिन जी। तो पहले निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है स्ट्रेटेजी इस वक्त? अनिल जी यहाँ पे 21800 की पुट ऑप्शन है 94 की, तो मान लीजिए अगर मुझे दो लॉट लेना है तो एक मैं 94 पे लूंगा और एक अगर 80 पे मिलेगी तो लूंगा, यानी कि जो भी क्वांटिटी लेनी है उसकी 50% 93-94 पे लूंगा और अगर ये 80 पे मिल जाए तो और ऐड करूंगा। और लेना पुटी है 21800 क्योंकि डेटा नेगेटिव है, अभी लास्ट आधे घंटे में काफी तेज सेलिंग आई है और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा आपका 60 रुपए का, यानी आप एक लॉट अभी ले रहे हैं इसका स्टॉप लॉस वाइड है 60 रुपए का है तो एक ही लें, अगर नीचे आए 80 पे तो आप एवरेज करें। और ऊपर फर्स्ट टारगेट इसके बनेंगे 115 के और उसके ऊपर निकलती है तो बनेंगे 130 के। तो फोकस हमें 21800 की पुट ऑप्शन पे करना है, 21800 की पुट ऑप्शन लेने की सलाह है। 130 के टारगेट के लिए 21800 का पुट ऑप्शन खरीदें निफ्टी का, ये राय है परसों की एक्सपायरी वाला। नितिन जी बैंक निफ्टी पर कोई सलाह, कोई राय, कोई स्ट्रेटेजी? जी अभी बैंक निफ्टी में फिर से ब्रेक डाउन हुआ है और बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 46100 की तरफ आएगी, अभी 46300 के आसपास है स्पॉट लेवल, तो 46100 की तरफ आना चाहिए और बैंक निफ्टी से ही सेलिंग ट्रिगर होनी चाहिए। और लास्ट अगर आप देखेंगे तो करीब आधे घंटे में सेलिंग बैंक निफ्टी से आई है, तो बैंक निफ्टी में भी डेटा वीक है और बैंक निफ्टी के टारगेट 46100 से 46000 तक के बन रहे हैं शॉर्ट टर्म में, और ये मैं स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। और स्टॉप लॉस बन रहा है 46450 का, यानी 150 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस और 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आ सकती है। निफ्टी भी 46000-46050 तक आने की तैयारी में है, 100 तक तैयारी में, और 46450 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें अगर आप बेचना चाहते हैं तो ये आपके लिए स्पॉट लेवल है नितिन जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और वागले साहब।